नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। टीम इंडिया बड़ी बुरी मुसीबत में फंस गई है। एक बड़ी मझधार में टीम इंडिया फंस गई है, क्योंकि जिस एक बड़ी पोजीशन के लिए टीम इंडिया इस वक्त जूझ रही है, उस पोजीशन की दो खिलाड़ी एक साथ क्रिकेट छोड़ने वाले हैं। एक खिलाड़ी का नाम आपको पता है, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के बेहतर फिनिशर, अच्छे ऑलराउंडर। वो कह चुके हैं कि अब टीम मैनेजमेंट उनकी तरफ ना देखे, उनको सेलेक्ट ना करे, क्योंकि वो रिहैब कर रहे हैं, खुद को रिहैबिलिटेशन में हैं और वो अपनी चोट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हार्दिक अब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं, ताकि वो लिमिटेड फॉर्मेट में, मतलब वाइट बॉल क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो दे सकें, ज़्यादा बेहतर खेल सकें। लेकिन अब एक और बड़े ऑलराउंडर को लेकर खबर आ गई है कि उसका भी क्रिकेट खत्म हो सकता है, वो भी चोट के चलते। क्योंकि हार्दिक भी फिटनेस से जूझ रहे हैं, वो खिलाड़ी भी फिटनेस से जूझ रहा है, और उस खिलाड़ी का नाम है जडेजा, जड्डू। जी हाँ, हैरान मत होइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है, जडेजा का आखिर क्यों करियर खतरनाक संकट में आ गया है। तो उसके पीछे की वजह यह है कि न्यूजीलैंड सीरीज में जडेजा को चोट का आभास हुआ, जडेजा की चोट उभर कर सामने आ गई, जडेजा को चोट है, और इसी के चलते जडेजा को साउथ अफ्रीकी दौरे पर शामिल नहीं किया गया, टीम स्क्वाड में जडेजा को मौका नहीं मिला, जिसके बाद में हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर जडेजा के साथ क्या हुआ। तो अंदर की खबर हमारे पास आई है जडेजा को लेकर। टीम मैनेजमेंट से जुड़े कुछ लोगों ने जडेजा को लेकर खुलासा किया है कि जडेजा की जो चोट है ना, वो गंभीर है, और गंभीर इतनी है कि जडेजा को 5-6 महीने के लिए रेस्ट पर रहना पड़ सकता है, उन्हें बेड रेस्ट दिया जा सकता है, उनका ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसके लिए साउथ अफ्रीका दौरा, उसके बाद में श्रीलंका दौरा, और IPL के शुरुआत तक हो सकता है कि जडेजा मैदान पर क्रिकेट में वापसी ना करें। और इसी सब को देखते हुए जडेजा एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, हार्दिक पांड्या की तरह वो भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट को छोड़ सकते हैं और लिमिटेड फॉर्मेट के क्रिकेट पर ही ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि अब जडेजा, क्योंकि आपको पता है कि लगातार फिटनेस की परेशानी से जूझते हुए खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट का क्रिकेट नहीं खेल सकता। हार्दिक पांड्या ने भी उसी लिए टेस्ट क्रिकेट को अलविदा देने की के संकेत दिए हैं, और वो भी लिमिटेड फॉर्मेट का क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उसी तरह से जडेजा भी अब टेस्ट क्रिकेट को हो सकता है कि बहुत जल्द अलविदा कह दें और लिमिटेड फॉर्मेट के क्रिकेट में अपना जलवा दिखाएं। वैसे आपको बता दें हार्दिक पांड्या और जडेजा को लेकर कि जडेजा ने हाल के दिनों में बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है टेस्ट क्रिकेट में, बड़े विकेट चटकाए हैं, रन भी बनाए हैं, तो जाहिर तौर पर जडेजा का रिप्लेसमेंट खोजना एकदम टीम इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी को परेशानी है तो टीम इंडिया को कुछ तो करना पड़ेगा, आगे के भविष्य के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। इसीलिए टीम इंडिया के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि आखिर जब दो बड़े ऑलराउंडर एक साथ टीम इंडिया से जा रहे हैं, फिटनेस से जूझ रहे हैं, चोट की वजह से परेशान हैं, तो टीम इंडिया उनका विकल्प कैसे तलाशे, क्या करे। ये परेशानी टीम इंडिया के सामने अब खड़ी हो गई है कि हार्दिक के बाद अब जडेजा भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं और लिमिटेड फॉर्मेट के लिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अब ये खबर है कि जडेजा जो हैं वो चोट से जूझ रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि जडेजा ऑपरेशन करा सकते हैं और 5-6 महीने तक रेस्ट पर रह सकते हैं, जिसके चलते जडेजा टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं और लिमिटेड फॉर्मेट की क्रिकेट केवल खेल सकते हैं। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है, जडेजा के करियर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कि क्या जडेजा को वास्तव में अब टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह देना चाहिए और बाकी खिलाड़ियों को उसके बाद मौका मिले, आपका जो भी, और जडेजा के जाने से टीम इंडिया को कितना बड़ा झटका लगेगा, ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।